में और पहले कौर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, शारदा हैं चेन्नई से। शारदा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा नाम शारदा है, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। हेलो हेलो, ओके बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नोवाको विस्टा में मैंने 50 शेयर लिया था 543 में, अभी मेरा लॉस चल रहा है, मैं उसे रखूं क्या? okay. नहीं, 438 की बाएंगे, 80-83 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको, और नोवाको विस्टाज इनके पास है 50 स्टॉक्स, क्या करें सर्वेंद्र इस पोजीशन में ये? देखिए दीपाली जी, डेटा तो यहाँ पे कम है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ही देखना पड़ेगा। जहां से इसका आईपीओ के बाद जो लिस्टिंग, जो मुझे डेटा 2021 क्या बात से जो दिख रहा है 2021 से, वो आई थिंक फिलहाल तो स्टॉक एक उन दायरों से काफी नीचे चल रहा है। 550 वाला स्टॉक अब 350 के आसपास चल रहा है, बट सिल्वर लाइनिंग ये है कि मेरे हिसाब से लास्ट अगर मैं 8-9 महीने का देखूं तो मोटा मोटी बहुत ज्यादा 320 के नीचे नहीं गया है, और ऑन द कॉन्ट्री बहुत ज्यादा 400 के ऊपर भी नहीं टिका है। तो आई थिंक 300 से 400 की रेंज है फिलहाल, रेंज के बीचों बीच चल रहा है। डेटा यहाँ पे कम है, तो फिलहाल तो मैं इनको ये बोलूंगा कि भाई आईपीओ वाला स्टॉक है, थोड़ा पेशेंस से फिर थोड़ा बने रहें, और मे बी 15-20 दिन या महीने बाद दोबारा कॉल लें। बट फिलहाल 320-310 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट्स होल्ड हो जाएंगे। तो अब इन दायरों से तो मैं इनको नहीं कुछ बोलूंगा करने के लिए, स्टॉक को होल्ड रखें और उछालों में कहीं 400-410 के रेंजेस में मिले तो बेचने की भी कोशिश थोड़ा करें, क्योंकि उसके बियॉन्ड अभी जाता हुआ लग नहीं रहा है इमीडिएटली। जी ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए। बात करेंगे अब अगले कॉलर से, दिशा जैन है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दिशा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, आई हैव बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9000 शेयर्स एट द रेट 41, आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ओके, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपके पास है 41 की बाइंग, 6 रुपए का फायदा हो रहा है, तो क्लियरली अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करें सर्वेंद्र ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? देखिए शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट में है, पहला काम तो ये रहेगा कि भाई इमीडिएटली कॉस्ट या उससे थोड़ा ऊपर इनका कहीं स्टॉप लॉस आ जाए। और फिलहाल ये इस स्टॉक ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, जहां बैंक निफ्टी पॉसिबली उतना नहीं चल पाया और 44,000-45,000 की रेंज में फंसा हुआ है लास्ट 1.5 महीने में, वहां ये स्टॉक तकरीबन 35-37 वाला आपको ऑलमोस्ट 50 तक गया है। तो एक बढ़िया यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 12-15% का काइंड ऑफ यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी ये देके आया है पीछे से। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि भाई कॉस्ट पे तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखें, और थोड़ा मुनाफा बांधना चाहें तो मेरे हिसाब से 44-40 पे एक स्टॉप लॉस रख लें तो थोड़ा मुनाफा भी रहेगा। ट्रेड को एक हफ्ता और दे दें, क्योंकि बाजार ने जब मोमेंटम पकड़ा है और बैंक निफ्टी ने भी आज अगर एक रिवर्सल मारा है तो इसको एक हफ्ता और दे दें, क्योंकि प्योरली इनका शॉर्ट टर्म ट्रेड है, एक हफ्ते से ज्यादा खड़े नहीं रहे। जब तक खड़े रहते हैं 44-40 का स्टॉप लॉस लगाएं और 50-51 की रेंज में मुनाफा भी थोड़ा बांधने की कोशिश करें, अच्छा पैसा इनका बन जाएगा। ओके चलिए तो ये सजेशन रहा आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। बात करते हैं हरीश शर्मा से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, मेरे पास वेदांता के 265 शेयर है, 236। हरीश बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास वेदांता के 265 शेयर है 236.80 के भाव में, तो बेचना सही है कि होल्ड करना? आपका वैसे होराइजन क्या था, इसमें इन्वेस्टमेंट थी, ट्रेडिंग थी, क्या व्यू था? मेरा ट्रेडिंग था लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू वेदांता में 236 की बाइंग, क्या करें सर्वेंद्र ये? देखिए शायद कहीं खुद भी क्लियर नहीं है, ट्रेडिंग भी बोल रहे हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो कुछ होती नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनको बताता हूं कि अगर 12-24 महीने के हिसाब से इसमें ध्यान लगाएंगे तो अगर इस शोज को रेगुलरली देखते थे तो 240, 250, 270, 280 मेटल्स में हमने हमेशा बोला कि वेदांता वीकेस्ट है और 200-210 तक तो एटलीस्ट चला जाएगा। तो ये वाला जो फॉल आप देखिए तकरीबन उन्हीं एरियाज के आसपास आया, तो अब यहां से इसमें और इंक्रीमेंटली बेरिश होने का तो लॉन्ग टर्म में फिलहाल बायस नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन भी आया हुआ, आई थिंक कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी आए हुए हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते थे कि डेवलपमेंट्स होंगे। बट आई थिंक अब मेरे हिसाब से 200-210 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं। एक वर्स्ट केस अगर मैं सोचूं यहां से तो 180-190
ऑलरेडी 200-210 जाके आया है, तो फिलहाल 12-24 महीने के हिसाब से ट्रेड में बने रहे और पेशेंस से बने रहे स्प्रेड में, आई थिंक पैसे इनके ठीक ठाक बन जाएंगे अगर ये 12 महीने प्लस खड़े रहेंगे तो। ठीक है, अमित से बात करते हैं, भटिंडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मेरा GEPIL में मैंने 24 शेयर ले रखे हैं, तो क्या अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए? कौन सा स्टॉक बता रहे हैं आप? GEPIL। GEPIL, हाँ जी। एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, क्या है आपकी बाइंग, क्या है इसमें जी पावर की आप बात कर रहे हैं? जी पावर इंडिया लिमिटेड, ये आपका भाव खरीदारी का प्राइस क्या है आपका इसमें? एक मिनट, हेलो 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 जी बताइए। 287 रुपीस बताइए। ठीक है, 287 की बाएंगे जी पावर में, 165 पर कर रहे ट्रेड, क्या करें सर्वेंद्र? नहीं देखिए, आज के शो पे सबसे मुश्किल सवाल है ये अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए कंपनी कुछ खास कर नहीं रही है और सारे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, चाहे आप FIIs में देख लीजिए, चाहे DIIs में देख लीजिए, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने यहाँ पे स्टेक को घटा रहे हैं। तो थॉट तो यही रहेगा कि फिलहाल तो मैं अब यहाँ से इतने नीचे इनको यहाँ मैं बेचने तो नहीं बोल सकता, बट इनको यही रहेगा कि भाई क्वालिटी स्टॉक्स में जाएं और यहाँ पे उछालों में निकलने की कोशिश करें, फिलहाल तो मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरा यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं बन रहा, बट एक चीज तो क्लियर है कि ऐसे स्टॉक में जहाँ पे बड़े लोग निकल रहे हैं, FIIs DIIs बेच के निकल रहे हैं, आपको उछालों में निकलने की राय। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है आपके लिए। बात करते हैं अब प्रीतम से, प्रीतम हमारे साथ कनेक्टेड है गाजियाबाद से। प्रीतम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं, मेरे पास PVR INX है 1790 पे। बताइए क्या सवाल है प्रीतम आपका? मैम तो 6 महीने में इसकी क्या हो सकता है, मेरा भाव आएगा नहीं आएगा? 1790 बताइए सर, 1790 की बाएंगे PVR में, 1687 पर बंद हुआ है, क्या करें? देखिए मेरा जो यहाँ चिंता का कारण है स्टॉक में वो यही है कि डिसाइसिवली 1800-1900 के ऊपर कभी बंद नहीं कर पाया, एक बार 2100-2200 गया था, बट उसको आप एक फ्लूक मान लीजिए, तो लास्ट 2.5-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा 1800-1900 के बाहर नहीं जा पाया है, और 2100 पे तो दम तोड़ ही देता है, एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो ऑलरेडी 2200 के एरियाज में बना हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरी राय यही रहेगी कि फिलहाल 6 महीने का इन्होंने व्यू दिया, तो मीडियम टर्म में मे भी अभी फिलहाल अपने लंबे अवधि के दायरों के ऊपर है, तो आई थिंक 1600 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के अगर ये खड़े रहना चाहें तो खड़े रहें, 1584 का एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस ले लें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। बट थॉट यहाँ यही रहेगा कि नेक्स्ट 1-3 महीने में जो भी अच्छा एक बाउंस आए, उछाल आए टुवर्ड्स 1950-2000 का किसी कारण से आता है तो बेच के निकल जाए। ऋषि है अगले कॉलर दिल्ली से। ऋषि नमस्कार, बताइए सवाल। ऋषि सवाल पूछिए प्लीज। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? आपको ऑडियो नहीं आ रही है क्या ऋषि? आ रही एक्चुअली 125 शेयर्स है PNB के। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, इनको शायद ऑडियो PNB बोला उन्होंने शायद। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने नई जॉब शुरू की है तो अभी शुरू ही किया मैम इन्वेस्टमेंट। क्या सजेशन PNB 69 की बाएंगे? इन्वेस्टमेंट है नहीं, पहली बात तो नई जॉब करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं तो इनको मुबारकबाद उसके लिए, और अच्छा काम शुरू किया है और शेयर भी अच्छा है,
इंडिया का पीएसयू नेम में बड़ा और अच्छा बैंक है, तो आई थिंक अब शुरुआत की है तो बने रहे इसमें। यहाँ पे मैं इनको डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा कि भाई बेचें या शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में कोई कॉल लें। आई थिंक लॉन्ग टर्म पिक्चर बढ़िया है। स्टॉक ने ऑलरेडी वैसे एक रनअप किया 20-30 रुपए से, ऑलरेडी 170 रुपए का एक रनअप अच्छा चल चुका है। मे बी थोड़ा डाइजेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, बट अगर रेगुलरली पैसा डाल रहे हैं तो एक्सिप करते रहे धीमे धीमे। और अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस उन्होंने पकड़ी है तो बाकी नाम भी है बड़े नामों में, धीमे धीमे एसआईपी करते रहे और एक अच्छा काम चालू किया है तो उसको चालू रखिए और ट्रेड में बने रहे। ओके, बात करते हैं अब कुणाल से, कच्छ से हमारे साथ कनेक्टेड है। कुणाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल। नमस्कार, मेरा सवाल ये है, मैंने आरती ड्रग्स के 600 रुपए के प्राइस पे 300 स्टॉक लिए हुए, तो मैं क्या करना चाहिए इसमें? बने रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? 600 की बाइंग है, 519 पर कर रहा है ट्रेड। व्यू क्या है वैसे आपका, कितने समय रुक सकते हैं? एक साल तक तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन इतने से ज्यादा फिर अदर स्टॉक्स में कि इसमें ही बने रहे एक साल तक अभी भी। साल भर का व्यू है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए मे बी मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं रहेगा या मेरे पसंद का स्टॉक नहीं रहेगा, थोड़ा इरेटिक वॉल्यूम्स होते हैं, बट लास्ट कुछ महीनों क्वार्टरों में अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और में डिलीवरीज भी गई है और जब करेक्शन आए तो उनमें वॉल्यूम घट गए, तो ये एक अच्छा संकेत है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक इवन दो पसंद का स्टॉक नहीं रहेगा, फिर भी मैं इनको ये बोलूंगा कि अपने लंबे अवधि के दायरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछला ब्रेकआउट्स के लेवल को होल्ड कर रहा है, आई थिंक तो इनको कहीं ट्रेड में बने रहना चाहिए। और 474 का एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस है, ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से और 12 महीने प्लस का होराइजन रखें, तो अगर एक 40 रुपए का डाउन साइड हम यहाँ देख रहे हैं किसी कारणवश तो ऊपर में ऐसा लगता भी है कि 600-610 भी आएगा, तो 80 से 90 पॉइंट इनको ऊपर भी कमाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट 12-18 महीने में, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और 484 का जैसे मैंने बोला 480 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 474 का एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। जी ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से, कुंवर पाल सिंह कोटा राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार कुंवर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल है एटीजी को लेके, एटीजी के मेरे पास 1600 शेयर हैं, 865 का अभी भी मैम एवरेज प्राइस निकल रहा है उसका, एक बार मैं एवरेजिंग भी कर चुका हूँ उस पर, अब 1-2 साल का व्यू जानना है मुझे मैम। ओके पूछ लेते हैं, 1-2 साल का व्यू, दाइन टोटल गैस 845 की बाइंग है। मुश्किल, सबसे मुश्किल लगता है आज का सवाल ये हो गया। नहीं देखिए इस ग्रुप पे मैंने कोशिश की है कि मैं अवॉइड करूं, प्लस ये स्टॉक तो बिल्कुल सर्किट डाउन ही आया है, इसमें कोई भी पैटर्न्स लास्ट अगर मैं कुछ टेक्निकल सेटअप ढूंढना भी जाऊं तो कुछ ऐसे मिल नहीं रहे कि जिसके वजह से मैं कॉल दे पाऊं इसमें, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। बात करते हैं अजय पाल सिंह पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड है। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी मैम, मेरे पास रिलायंस के शेयर है डी मर्जर के बाद 2567 प्राइसिंग पे 100 शेयर्स, मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसका मतलब कहाँ पे स्टैंड करता होगा ये? पूछ लेते हैं 6 मंथ्स का पर्सपेक्टिव। रिलायंस में एक डिस्क्लोजर भी दे दे कि जो चैनल व्यूअर्स देख रहे हैं सीएमबी सेवा, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। बताइए सर्वेंद्र, क्या सजेशन इनके लिए रिलायंस पर? देखिए बड़ा अपने 6 महीने की जब इन्होंने व्यू लिया तो मैं 6 महीने की रेंज ही अगर देख लूं एकदम सिंपल अप्रोच लेके, तो 2000 से लेके 2600 तक के तकरीबन यहाँ पे दायरे रहे हैं, तो थॉट यही है कि आप रेंज के बीचों बीच चल रहे हैं, और बट स्टॉक अच्छा है, आई थिंक टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज कभी भी पुल बैक करेगा, बाजार फिलहाल मोमेंटम पकड़ा हुआ है, अच्छा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर इनके पास होराइजन है, दायरा है, टाइम है तो बने रहे ट्रेड में, और ये मद्देनजर रख के चलें कि 2600 से 2000 की रेंज इनको ट्रेड करनी है, 6-9 महीने से चल रही है, 2600 में अगर बेचेंगे तो हमेशा 2200-2300 में एक बार एटलीस्ट लेने मिल जाता है इफ नॉट मोर, तो इस रेंज का इस्तेमाल करें और जब तक ये रेंज चल रही है इस रेंज में मजे करें, थोड़े पैसे कमाते रहें और बाद में जब ब्रेकआउट होगा तो फिर दोबारा बायबैक कर सकते हैं, बट फिलहाल होल्ड एंड सेल ऑन राइज अराउंड 2500-2600। ओके, सवाल भेज रहा है एक हमें एसएमएस के थ्रू ऋषि ने जामनगर से, चंबल फर्टिलाइजर्स पर इनका सवाल है, 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं,
और जो इनका खरीदारी का प्राइस है वो है 290 रुपए के आसपास का, फिलहाल 284 पर, 4-5 रुपए इनके खरीदारी के भाव से चंबल फर्टिलाइजर्स क्या करें ये इस होल्डिंग में? देखिए इनका प्राइस बुरा नहीं है, अच्छा है, मे बी टाइम मुझे नहीं मालूम कितने दिन से लेके खड़े, लेकिन एक बढ़िया कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रहा है और स्टॉक ने तकरीबन ट्रिपल बॉटम मारा हुआ है, तकरीबन 259-260 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन है, बार बार वहां जाता है, बार बार वहां से बाइंग आती है, जो कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा संकेत है, क्योंकि ये मैं डेटा आपको पिछले 18 महीने का बता रहा हूं। तो आई थिंक 18 महीने से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जब तक वो बेस टूटता नहीं, व्हिच मींस डिसाइसिवली 250 के नीचे जाता नहीं है, रुझान नेक्स्ट 12 से 18 महीने के लिए पॉजिटिव रहेगा। और मुझे लगता है कि बेस मिनिमम अगर बाउंस भी आ गया तो भी इसको तकरीबन आपको 360 से 370 के दायरे आपको छूता हुआ स्टॉक दिखेगा, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए ये सजेशन रहा आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, आप देख रहे कल का बाजार, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे कल का बाजार, सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। ट्विटर से एक सवाल मिल रहा है सुशील गोयल का दिल्ली से, वर्लपूल पर